वन और वन्य जीव प्रकृति की धरोहर है और इसके संरक्षण भी बेहद जरूरी है। कुछ ऐसा ही संदेश लिए वन्य जीवों के भावों को दर्शाती एक फोटो प्रदर्शनी का आयोजन युवा फोटोग्राफर हर्षवर्धन ने किया। आईजी दिनेश एमएन और कलेक्टर ने प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। ये रिपोर्ट देखिए। फोटोग्राफी एक आर्ट है और किसी भी पल का जीवंत दस्तावेज भी। एक तस्वीर हजार शब्दों को बयां करती है। युवा फोटोग्राफर हर्षवर्धन ने अपने कैमरे से कमाल का काम किया है। कुछ तस्वीरें आकर्षण का केंद्र बनी तो कई युवा फोटोग्राफर के धैर्य को भी दर्शाती है। बाघिन बिजली के तेवर हो या टाइगर की दहाड़, ठेठ ग्रामीण जीवन के रंग थे तो जसनाथी संप्रदाय की परंपराओं का चित्रण भी हर फोटो गहरे भाव लिए है। ओपन एग्जीबिशन मैंने इसलिए लगाई कि मतलब आम लोग आके देखें, इसे उन्हें पता चले कि बीकानेर के आसपास कितने तरह की वाइल्ड लाइफ रह रही है, कितने तरह के पशु पक्षी यहाँ आते हैं और बाहर से जो माइग्रेटरी बर्ड्स आती है वो इसी जगह को चुनती है। तो हम यहाँ पे क्यों मतलब वाइल्ड लाइफ को मतलब हमको ध्यान रखना चाहिए। ये जो बाहर से जो जीव जानवर आ रहे हैं इनकी अलग से एक कंजर्वेशन के लिए प्रायोरिटी रखनी चाहिए, जबकि आज की तारीख में हम नेचर को भूल रहे हैं और सिर्फ डेवलपमेंट को देख रहे हैं। बीकानेर में वाइल्ड लाइफ फोटो की प्रदर्शनी पहले कम ही देखने को मिली है। जगह के चुनाव ने सैलानियों को भी आकर्षित कर दिया है। हर्षवर्धन के साथ अनिल अरोड़ा के फोटोग्राफ्स भी कमाल के थे। एसपी सबाई सिंह गोदारा ने युवा फोटोग्राफर्स की तारीफ की। जो वन्य जीव और प्रकृति है इसके संरक्षण के लिए हर आदमी को सोचना चाहिए और ये हॉबी के तौर पे अगर हम इसको लोगों के सामने रखते हैं और लोग प्रदर्शन का मौका देते हैं तो निस्संदेह लोगों में इनके संरक्षण के प्रति इनके प्रति जो स्नेह प्रेम पैदा होता है। सेल्फी के युग में नार्सिस्ट होते हुए युवाओं के लिए युवा फोटोग्राफर हर्षवर्धन की तस्वीरें वाकई खूबसूरत संदेश छोड़ती हैं। वन और वन्य जीव प्रकृति की अनुपम देन है। केवल कंक्रीट जंगल से नहीं बल्कि जंगलों का बचाया जाना जरूरी है। लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, बीकानेर।